लेक्चर आज हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो है आपका डीसी मोटर का फिनोमेना। वालेकुम सलाम अलैकुम। डीसी मोटर जो है वो जनरली बिल्कुल सेम है जैसा आपका एसी मोटर है, बिल्कुल वही सारी चीज़ें। सिर्फ एक चेंज जो है ना डीसी मोटर के अंदर मेजर ये है, डीसी जनरेटर के अंदर मेजर ये है कि हम डीसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग यानी कि कॉमुटेटर से रिप्लेस करते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि डायरेक्शन ऑफ अ करंट चेंज ना हो, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका एसी करंट है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में फ्लो करता है, और जो आपका डीसी करंट है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन उसकी होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन के लिए हमें एक ऐसा जनरेटर बनाना है जिसके अंदर कॉइल पे से जो करंट गुजर रहा है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में गुजरता रहे। जैसे अगर ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल की एक एंड है और ये मेरे पास कॉइल का दूसरा एंड है, ठीक है। तो सपोज़ करो अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो इसमें से करंट अपवर्ड गुजरेगा, और इस डायरेक्शन में होगा तो करंट डाउनवर्ड गुजरेगा। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो देखो इसमें से अभी कहाँ करंट गुजर रहा है, अपवर्ड, और इसमें से कहाँ करंट गुजर रहा है, डाउनवर्ड। लेकिन जब ये कॉइल मूव करेंगे, मूव करके ये कॉइल जो है वो दूसरी जगह पे जाएंगे, यानी कि ये जो ग्रीन वाला कॉइल है जब इस वाली साइड पे आएगा तो ग्रीन वाले कॉइल में से पहले करंट गुजर रहा था डाउनवर्ड, अब गुजरने लगेगा अपवर्ड, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और यही अल्टरनेटिव करंट में होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाह रहा, इस प्रोसेस को मुझे रोकना है। इस तरह रोकना है कि जब भी ये वाला कॉइल उधर जाए ये इसी डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो रखे। इसकी डायरेक्शन अगर यहाँ है तो यहीं रखे, इसकी यहाँ है तो यहीं रखे। रेड वाले कॉइल में हमेशा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे और ग्रीन वाले कॉइल में हमेशा इस वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, मतलब कंडक्टर साइड पे। तो इसके लिए हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारी तकरीबन चीज़ें आप देख लें, उठा के वर्किंग प्रिंसिपल तक उठा के आप देख लें तो सारा वही है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर EMF इंड्यूस होगी जब आपका कॉइल मूव करेगा। कॉइल की डायरेक्शन को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्लिप रिंग का। डायग्राम भी आप देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर ये आपके पास स्लिप रिंग है और ये आपका कम्यूटेटर है। इसको अगर आपने समझना है थोड़ा और डिटेल में तो इसके लिए आपको वीडियो की ज़रूरत होगी। डीसी जनरेटर की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को एक नज़र दिखा दूंगा तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा किस तरह वर्क करता है, ठीक है। Is in welding equipment to charge batteries and solar systems in an emergency at your house and offices. I hope that you now know everything about DC generators. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Watch the rest of my videos on my YouTube channel. Please consider to support me on Patreon. Thanks very much. See you on the next video. Direction of current ko bacha leta ye commutator. क्योंकि जब ये कॉइल इससे जाके लगेगा ना तो ये हमेशा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट आ रहा है। तो जब ये कॉइल इधर जाएगा तो इसमें से हमेशा ऊपर ही करंट जाएगा, जब ये वाला कॉइल इधर होगा तब बीच में से ऊपर ही जाएगा। तो कोई ऐसी सूरत नहीं कि करंट नीचे की तरफ फ्लो कर सके। करंट हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ कहाँ से फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ से ही फ्लो करेगा। हाँ, वो वीडियो के अंदर उसने कम्यूटेटर का जो रिवर्स फिनोमेना था ना वो समझाया था, डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो समझाया था। वो डायग्राम से समझाना मुश्किल है, और वीडियो में ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास के लिए था। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो के मिसिंग थी, मतलब छोटे छोटे से टॉपिक थे। MCQs वगैरह में वो अक्सर और बेशतर आते हैं, वैसे तो नहीं आते लेकिन MCQs वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो MCQs वगैरह के लिए उनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि वो चीज़ें क्या हैं, वो डिवाइसेस क्या हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर चैप्टर नंबर 15 जो आपका चैप्टर था इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड होने के लिए जा रहे हैं, जिनके अंदर बेसिकली हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, एमीटर और वीड स्टोन ब्रिज। अब आ गया है आपका AVO मीटर, इसका दूसरा नाम मल्टी मीटर भी है। AVO मीटर की ख़ास बात ये होती है कि AVO मीटर ये नॉर्मल मीटर है जो सब जगह यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास चले जाएं, आप जो है वो उठ के चले जाएं, लेट्स सपोज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम करता है उसके पास चले जाएं, उसके पास ये मीटर आपको लाजमी मिलेगा। इसकी ख़ास बात ये होती है ये वोल्टेज भी मेजर करता है, ये करंट भी मेजर करता है और ये रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, तीनों चीज़ें मेजर करता है। इसके अलावा एसी करंट हो या डीसी करंट हो दोनों मेजर करता है,
ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ आजकल के जो जदीद आपके पास एमीटर और मल्टीमीटर आ चुके हैं, वो तो कैपेसिटेंस भी मेजर करते हैं और आपका जो इंडक्टेंस है वो भी मेजर करते हैं, और अलार्म वगैरह भी जो है वो रिंग बेल करते हैं, अगर शॉर्ट सर्किट हो तो शॉर्ट सर्किट की भी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें जो बेसिकली इसके अंदर याद रखने वाली बात है वो ये है कि ए वी ओ मीटर एक्चुअल में आपका मल्टीमीटर है, और उसके अंदर ख़ास बात ये होती है कि वो वोल्टेज अल्टरनेटिंग का हो या डायरेक्ट का हो, करंट अल्टरनेटिंग का हो या डायरेक्ट का हो, और इवन रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो, ये सारी चीज़ें मेजर करता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चले तो हमारे पास एक और डिवाइस आती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस वैल्यू सेट करने के काम आती है। अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस चाहिए अपनी वैल्यू की, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट वगैरह में किसी चीज़ के बनाने में हमें मुख्तलिफ वैल्यू की रेजिस्टेंस चाहिए होती है। हम मार्केट में जा जा के ख़रीद कर तो नहीं लाते रहेंगे ना कि भाई अब जाओ ये वाली लाओ, अब जाओ ये वाली लाओ, नहीं, हर तरह की रेजिस्टेंस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप रेजिस्टेंस बॉक्स उठा के ले आएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स की बात ये है रेजिस्टेंस बॉक्स की खास बात ये होती है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ये घूमता है इस तरह, और ये ज़ीरो से लेके कहाँ तक जाता है, 10 तक जाता है, और इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ होता है ना नीचे, इसका मतलब होता है इसको घुमाने से रेजिस्टेंस पे इतना फ़र्क आएगा, इतना टाइम्स फ़र्क आएगा। जैसे इसको अगर 1 पे लेके जाऊँगा तो रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगी वाली, अगर मैं इसको 2 पे लेके जाऊंगा तो रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगी, अगर इसको 3 पे लेके जाऊंगा तो रेजिस्टेंस 3 ओम हो जाएगी, अगर इसको 4 पे लेके जाऊंगा तो 4 ओम। जबकि अगर मैं इसको घुमाऊंगा, इसको घुमाने से क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगी, यहाँ लेके जाऊंगा तो 20 ओम हो जाएगी, और आगे लेके जाऊंगा 30 ओम। इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा, इसको अगर एक घुमाऊंगा तो 100 ओम हो जाएगी, दो घुमाऊंगा 200, तीन घुमाऊंगा 300। ऊपर वाली को देखें तो 1000 के अंदर चेंज आ रहा है, ये के लिखा हुआ है ना, के का मतलब 1000 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं 1 पे लेके जाऊंगा तो 1000 हो जाएगी, 2 पे लेके जाऊंगा 2000 हो जाएगी, 3 पे लेके जाऊंगा 3000 हो जाएगी, ठीक है, और इसके आगे सो ऑन। अब कैसे हम अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस इससे बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक रैंडम वैल्यू मैंने आपको दी, मैंने कहा 1 1 4 2 1 ओम की रेजिस्टेंस मुझे चाहिए अभी अचानक से। अब आप जाके खरीद कर थोड़ी लाओगे, आप क्या करोगे, इसके अंदर अरेंजमेंट करोगे, जैसे देखें इसको मैं इस तरह अलग करके लिख सकता हूँ कि 1420 का मतलब है 1000 1000, फिर 4000 एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया, 400, फिर 20 और फिर 1। तो मुझे चाहिए 1000 ओम की रेजिस्टेंस, 400 ओम की रेजिस्टेंस, 20 ओम की रेजिस्टेंस और 1 ओम की रेजिस्टेंस। तो 1000 ओम की रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको मूव करूँगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इसको मैं नाम दूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो 4 वाला मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है इसको मैं ले जाऊँगा 1 पर, तो मुझे 1000 मिल जाएगा। ये जो आपका 3 वाला रेजिस्टेंस बॉक्स है इसको मैं ले जाऊंगा 3 वाले को कहाँ पर, 4 पर, 400 चाहिए, 4 पर ले जाऊंगा, और इसके बाद 20 के लिए मैं इस वाले को 2 पे ले जाऊंगा, यानी कि 2 वाला कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, और 1 के लिए जो पहला वाला है ये 1 पे चला जाएगा, इसका मतलब पहला वाला 1 पे चला जाएगा। तो आप देखें कि 1421 की रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। तो अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू की रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो आप इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं फौरन से, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का कमाल होता है, ठीक है। जैसे अब अगर मैं आपको एक टास्क दूं, मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है वो 2 8
9.6 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो क्या करना होगा, 289 ओम, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, तो किस तरह बना सकते हैं हम, तो बता सकते हैं, कमाल है। आगे चलते हैं, तो हमारे पास डिवाइस एक रेजिस्टेंस बॉक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है ना इसके अंदर कॉइल लगा हुआ होता है, ठीक है ना, कॉइल से रेजिस्टेंस वेरी कर रही होती है, मतलब आगे पीछे करे तो इसकी रेजिस्टेंस वेरी कर रही होती है, कॉइल लगा हुआ होता है। तो कहते हैं कॉइल के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जब करंट पास हो सपोज करो तो उसके अंदर जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमेना को कम करने के लिए नॉन इंडक्टिव कॉइल यूज करें, ज़्यादा इंडक्ट ना करें, इंडक्टिव कॉइल का मतलब ये कि इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस कम से कम हो, नॉन इंडक्टिव अगर कॉइल है तो उसके अंदर कम से कम होती है। तो इसीलिए जो आपका व्हील स्टोन ब्रिज हो गया, कोई भी आपकी डिवाइस हो गया, इसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं उसके अंदर हम नॉन इंडक्टिव कॉइल यूज़ करते हैं, और नॉन इंडक्टिव कॉइल क्यों यूज़ करते हैं, ताकि सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो, कम से कम हो, बस एक याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद आता है आपके पास मीटर ब्रिज। अच्छा, व्हील स्टोन ब्रिज तो आपने पढ़ा है, व्हील स्टोन ब्रिज आपका क्या था, व्हील स्टोन ब्रिज आपका एक ऐसी डिवाइस थी जिसके अंदर चार रेजिस्टेंस होती थी, और चार रेजिस्टेंस के अंदर हम एक रेजिस्टेंस को अननोन मानते थे, बाकी को कैलकुलेट करते थे। मीटर ब्रिज के अंदर दो अननोन रेजिस्टेंस होती है, एक होती है एक्स अननोन रेजिस्टेंस होती है सॉरी, और एक नॉन रेजिस्टेंस आर होती है, बाकी दो रेजिस्टेंस नहीं होती, एक वायर होता है और वायर दो रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है, क्योंकि वायर की भी तो रेजिस्टेंस होती है ना, तो वायर दो रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। अब गैल्वेनोमीटर को जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ से मैं इसको मूव करके लेके जाता हूँ 30 पे, जैसे ही मैं 30 पे लेके जाता हूँ पता चला गैल्वेनोमीटर पे जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये नल पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेजिस्टेंस हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी रेजिस्टेंस हो गई, ये तीसरी रेजिस्टेंस है और ये अननोन रेजिस्टेंस है। तो एक तरह से मीटर ब्रिज जो है वो व्हील स्टोन ब्रिज है, लेकिन इसके अंदर मीटर वायर यूज़ किया जाता है, दो रेजिस्टेंस का वायर कर रहा होता है, और उसकी लेंथ से हम अंदाज़ा लगाते हैं किस चीज़ का, उसकी रेजिस्टेंस का, जैसे जीरो से 30, तो 30 हो गया एक साइड, दूसरा हो गया 30 से 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 से 100 आपका हो जाएगा 70, तो एक साइड पे 70 है, एक साइड पे 30 है वायर, जबकि एक्स मेरी रेजिस्टेंस मुझे मालूम करनी है, और आर रेजिस्टेंस मुझे मालूम होगी, मैंने अपनी मर्जी की लगाई होगी रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो ये जो वर्किंग है ना इसकी, व्हील स्टोन ब्रिज के मुताबिक होती है। तो फ़ायदा इसका अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना ही है, मीटर ब्रिज की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, प्रैक्टिकल्स के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके बाद आती है आपके पास अगली डिवाइस पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को आपने बहुत यूज़ करा है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कहाँ यूज़ करा है, कोई बता सकते हैं पोटेंशियोमीटर कहाँ यूज़ करा है, हाँ जी वरीश ने बता दिया, रेगुलेटर में, जो पंखे का आपका रेगुलेटर है ना, कभी उसका ऊपर का कैप गिर जाए ना आपका, देखना अंदर से आपको ऐसे ही नजर आएगा, वो पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग डिवाइस है, रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करती है। इसके रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने से होता क्या है कि जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ती है करंट जो है वो ब्लॉक होने लगता है, तो जो करंट पहुँचना है उस फैन को वो इतना नहीं मिल पाता, तो करंट कम मिलने की वजह से फ़ैन स्लो हो जाता है। तो ये एक्चुअल में फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर रही होती है रेजिस्टेंस बढ़ा के या कम करके। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, और रेजिस्टेंस इसकी अगर एक्यूरेसी की बात करें ना, तो जितना ज़्यादा लेंथ, इसके अंदर भी कॉइल यूज़ होगा, वायर यूज़ होगा, ये जो वायर आपको नज़र आ रहा है वायर यूज़ होगा, तो वायर जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट जो है ना रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकेंगे, क्योंकि छोटे वायर की रेजिस्टेंस इतनी खास नहीं होगी, तो वायर को आप अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस के अंदर एक्यूरेसी आएगी, इसके लिए ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। जैसे वायर जो है आपका इसके अंदर जो लगा होता है, अगर आप उसको इंक्रीज करेंगे तो एक्यूरेसी जो है ना मेजर्ड करने की रेजिस्टेंस को वो इंक्रीज होगी, यानी कि पंखे को अपनी मर्जी की स्पीड पर सेट कर सकते हो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ की ज़्यादा है, वरना तो कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ पर ही फैन सेट होगा ना, तो और एक्यूरेट के लिए और ज़्यादा लेंथ रखनी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर होता है सिंपल। अब आ जाते हैं ज़रा आपके एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ क्योंकि अभी ही सारी चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने, कोई पुरानी चीज़ तो है नहीं, अगर कोई पुरानी चीज़ हो तो वो आप लोग देख सकते हैं। इससे बैक स्लाइड दिखा दें सर, बैक बैक, ये
ठीक है, पहले हो गया क्लियर। अच्छा जी, अब चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। तो आप लोगों ने मुझे आंसर्स बताने हैं और रीजन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह रहे हैं नॉन इंडक्टिव कॉइल इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज्ड टू मिनिमाइज, ये तो अभी पढ़ा है मैंने आपको। पहले वाले का तो जाहिर सी बात है सेल्फ इंडक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस को, म्यूचुअल तो हो ही नहीं सकती ना, उसके साथ एक और कॉइल तो होता ही नहीं है, रेजिस्टेंस का अपना कॉइल होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं नॉन इंडक्टिव कॉइल, ठीक है। दूसरा सवाल, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल विद अ फिक्स्ड टॉप आयरन सिलेंडर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी भाई अगर हम जो है वो कॉनकेव यूज करेंगे? तो जाहिर है स्ट्रेट तो नहीं रहेगी, सही है ना, इनफाइनाइट भी नहीं रहेगी, वीक भी नहीं होगी, वो रेडियल हो जाएगी, घूमती भी हो जाएगी, क्योंकि आपने जो मैग्नेट है उनको घुमा दिए, ये वजह है, ठीक है। तीसरे में आ जाए, तीसरे सवाल में आपसे कह रहे हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट इज लार्जली यूज्ड एज द, अच्छा रियोस्टेट मैंने क्योंकि बताया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। रियोस्टेट भी एक बस तरह की डिवाइस होती है, ये इस तरह की डिवाइस है, इसके अंदर ये कॉइल के सोर्स में इस तरह लगा हुआ होता है आपके पास वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ना आपके पास वो इसकी सेटिंग इस तरह होती है कि यहाँ से आप वोल्टेज ले रहे होते हैं, ठीक है। वोल्टेज जो ले रहे होते हैं ये यहाँ से जो वोल्टेज ले रहे होते हैं इससे इनका वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, मतलब ये वाली रेजिस्टेंस अलग है, ये वाली रेजिस्टेंस अलग है, इस साइड की रेजिस्टेंस अलग है। अगर मैं इसको इस तरह आगे लेके जाता रहूँगा, यहाँ ले आऊँगा अपने मूविंग जो पॉइंट है इस पॉइंटर को, तो अब इस वाली कॉइल की लेंथ ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई, इसकी रेजिस्टेंस कम हो गई, तो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करता है, और वो रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने से ना ये पोटेंशियल को भी डिवाइड करता है, तो पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसे, तो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, जब ये कंडीशन अचीव हो जाती है कि आर वन आर टू आर थ्री आर फोर हो जाए, तो बताएं गैल्वेनोमीटर पे उस वक्त क्या रीडिंग होती है? मैक्सिमम होती है, हाफ होती है, डबल होती है, या ज़ीरो होती है? खाली पोटेंशियल गलत लिखा हुआ है, खाली पोटेंशियल कुछ नहीं होता, सोर्स ऑफ पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को बोल रहे हैं, वोल्टेज देता है, वोल्टेज थोड़ी देता है, वोल्टेज कहाँ से देगा, बैटरी थोड़ी है। जी हाँ परीक्षा, क्योंकि बैलेंस की जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो यही थी कि अगर आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो नो डिफ्लेक्शन पे आ जाए, यानी कि ज़ीरो करंट उसमें से गुजर रहा हो, तो एट दैट टाइम हम कहते हैं कि आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी डिवाइस जो एमीटर का भी काम करे, वोल्ट मीटर का भी काम करे, ओम मीटर का भी काम करे, कौन सी डिवाइस होगी? जी हाँ जी, मल्टीमीटर, सिंपल और आसान सा जवाब है, ठीक है ना, मल्टीमीटर लिखा हुआ, मल्टीमीटर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास सवाल है, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर्ड एंड कंपेयर पोटेंशियल विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। करंट को नहीं हमने मेजर करना है, हमें पोटेंशियल को मेजर करना है, तो कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल कहते हैं वोल्टेज को, वोल्टेज को मेजर यूज वोल्टेज यूज मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो जाहिर सी बात है वो वोल्ट मीटर है डिवाइस, ठीक है। इस मल्टीमीटर तो करंट भी मेजर कर लेगा ना, मल्टीमीटर आपका आंसर सही है, लेकिन इस वक्त जो है वो मल्टीमीटर तो करंट भी मेजर कर रहा है। अच्छा, पुराने वाले का आंसर बता रहे होंगे आप, हाँ पुराने वाले का मल्टीमीटर है। इसके बाद आ जाए, दिस इज हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है? गैल्वेनोमीटर की तो बहुत ही कम होती है, सिर्फ कॉइल होता है, एमीटर की और वोल्ट मीटर की, इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस हाई होती है? आपने अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस के आंसर आते थे, आपने खुद चेक किया होगा कि किसका आंसर सबसे ज़्यादा आता है, किसकी रेजिस्टेंस का, एमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है या वोल्ट मीटर की?
वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा आती है न्यूमेरिकल्स, ईमान दोबारा चेक करना, न्यूमेरिकल्स के आंसर में वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा आती है। अच्छा जी, इसके आगे आपसे कह रहे हैं मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर, मीटर ब्रिज से हम क्या मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करता है। एवीओ मीटर इज यूज टू मेजर, एवीओ मीटर से क्या मेजर करते हैं, एवीओ मीटर किसे कहते हैं, मल्टीमीटर का दूसरा नाम एवीओ मीटर। एवीओ मीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इन अ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज द एक्यूरेसी, जाहिर है आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो एक्यूरेसी भी क्या है बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज। तो ये आपके आंसर हैं, एक बार देख लें। न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 के जो पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं, रैंडमली कोई से दो चार न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। 11 से लेके 16 तक तमाम चीज़ें हमने कर ली, जो रेडियोज में थी वो भी कर ली, जो रेडियोज में नहीं थी वो भी कर ली। अब जो है ना हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, पास्ट पेपर के सवालात की तरफ, वो तो बाद में एंड में एक बार ज़रूर और करेंगे रिवीजन वगैरह में, लेकिन फिलहाल जो है वो आपको जो है चैप्टर नंबर 14 के जो कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो करा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है आपका पास्ट पेपर का 2019 का, डेटा के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं किससे, डेटा से। डेटा में आप देखें कि इसने कहा है अ कॉइल ऑफ 400 टर्न्स, तो एन मुझे दिया हुआ इसने कितना 400 इन एसी जनरेटर, ये एसी जनरेटर का सवाल है। हैविंग एन एरिया ऑफ, एरिया दिया हुआ है एसी जनरेटर का 0.1 मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड 50 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी से रिप्रेजेंट होती है और उसकी यूनिट जो है वो टेस्ला भी है, उसके अलावा भी दो यूनिट है। सर ये नोट्स में है, जी जी बिल्कुल नोट्स के अंदर मौजूद है लास्ट में वरीशा। और मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो जनरेट हो रहा है, कितना मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज आपका 220 वोल्ट जनरेट हो रहा है। आपसे कहता है बताएं हाउ फास्ट द कॉइल इज रोटेटिंग, डब्ल्यू आपने मालूम कर रहे हैं एंगुलर स्पीड, और कह रहा है इसकी यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में होनी चाहिए। इस तरह का एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, तो सिर्फ फार्मूला मैं आपको बताऊँगा, आगे का काम आपका है। फार्मूला जो इसमें लगेगा वो है वी मैक्स, वी मैक्स जब होता है तो साइन थीटा नहीं आता, नवाब साइन थीटा था, तो एन ए डब्ल्यू बी, बस ये आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा। तो आप उससे जो ओमेगा निकालेंगे वो आपका आंसर नहीं होगा, ओमेगा का जो आंसर आएगा ना वो होगा रेडियन पर सेकंड में, आपने उसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। वो कैसे करेंगे वो अब आप सोचें, मैं करा चुका हूँ, नहीं हो रहा सॉरी। तो आपके पास जो फोर्स है उसका फार्मूला है बी आई एल साइन थीटा, थीटा 90 इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट हमेशा 90 डिग्री पर ही होते हैं इस सिचुएशन में, करंट स्ट्रेट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बन रही है तो 90 डिग्री एंगल होगा। तो मेरे पास फोर्स आ गई आपके पास बी आई एल साइन 91 के बराबर होता है। अब फोर्स पर यूनिट एल निकालिए तो देखो क्या करेंगे, एफ डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू बी इंटू आई, बी वन लेंगे और आई टू लेंगे, बी वन क्यों लेंगे क्योंकि पहले की मैग्नेटिक फील्ड, आई टू क्यों लेंगे क्योंकि आई टू वाले से जो करंट गुजर रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो बी वन लेंगे और आई टू लेंगे। तब मुझे बताएं फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं जी की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ तो फाइनल फार्मूला बन जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर होगी किसके, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय टू पाई आर। इतना आसान अब ये सवाल हो गया कि सारी चीज़ें आपको दी हुई है, आई वन भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है ये उसकी वैल्यू दी हुई, और आई टू भी दिया हुआ है, ये आपका आई टू है। सिर्फ इस फाइनल फार्मूले में जो आपने ड्राइव करा है ये तमाम वैल्यू उसको पुट करें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका एक यूनिक क्वेश्चन था, बुक के अंदर शायद मौजूद है ऐसा सवाल।
सॉल्व करके आंसर बताएं जल्दी से क्या रहे हैं। सोलोनाइट का आपका न्यूमेरिकल है, ये बुक का ही न्यूमेरिकल है, बुक के अंदर सॉल्व हुआ हुआ है, मैंने शायद आपको कराया हुआ भी है न्यूमेरिकल, तो वो तो फाइव के अंदर जस्ट रिकॉल हो गया, ये कराना नहीं था, लिख दिया। सर डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए एरिया है, एरिया को डेल ए भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। डेल ए का मतलब है स्मॉल पोर्शन ऑफ द एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें वैसे हम एरिया ही कंसीडर करते हैं डेल ए और ए। फार्मूले का माइनस कैलकुलेशन में यूज़ होगा जनरा, फार्मूले का जो माइनस है हम इसलिए कैलकुलेशन में नहीं लगाते कि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, नेगेटिव सिर्फ लेंज लॉ ने बताया था कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, डायरेक्शन ऑफ अ करंट डिफाइन हो रही थी। ठीक है जी, क्लियर है। अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कराने की ज़रूरत पड़ी तो करा भी देंगे, ये तो अभी कराए, ये तो पिछली क्लास के अंदर हमने सर्कुलर मोशन वाला पढ़ा था ना, तो ये तो अभी न्यूमेरिकल आप लोगों को कराए, तो बल्कि आप लोग खुद करें। ठीक है, एक प्रोटॉन है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आपने कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने कल की क्लास के अंदर करा था, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मज़ीद ये है कि एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, दोबारा से वही करंट जनरेटर वाला सवाल आ गया है, तो चीज़ें जो है ना वो अब क्या होंगी, रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी और कोई इतनी खास मुश्किल बैठेगी नहीं, अगर आपने पुराने लेक्चर्स जो है ना वो सही से पढ़े हुए हैं। ठीक है, कोई सवाल वगैरह तो आप लोग कर लें, या किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई मसला है तो आपके पास